दोस्तों मेरे पास है एक सब्सक्राइब कीजिए SDST चैनल को, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखिए सबसे पहले। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक सी बैंड की डिश है, तो जो उसे आज हम अनबॉक्स करेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक वीडियो देखिए, ताकि आप कभी भी अगर फ्यूचर में सी बैंड डिश लेंगे तो आपको किस तरह से उसका इंस्टॉलेशन करना है आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले डेंटिस्ट वीडियो, जो भी हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, आप तक पहुंचते रहेंगे दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। अगर कुछ भी मतलब ऐसे ही वीडियो वीडियो मतलब ऐसे वीडियो अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। और पेड चैनल किस तरह देखे, और सॉलिड सेट टॉप बॉक्स में सॉफ्टवेयर किस तरह से डालें, ऐसे ही लेटेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। तो थोड़ा वीडियो फास्ट में बनाया गया दोस्तों, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए इस वीडियो को थोड़ा फास्ट में बनाया गया है। ये 6 फीट की डिश है दोस्तों, सी बैंड की, और इसमें सी बैंड और क्यू बैंड दोनों के सिग्नल इसमें मिल जाएंगे दोस्तों। अगर कभी भी आपको ये मतलब इसमें काफ़ी ऐसे सारे सैटेलाइट हैं दोस्तों, मतलब इंडिया में चलते हैं, मतलब फ्री में, मतलब फ्री में चलते हैं दोस्तों। ऐसे ऐसे इस्लामिक चैनल है, मतलब बहुत सारे मूवीज़ के चैनल हैं, और काफ़ी लोग तो ज़्यादातर DD फ्री डिश के बारे में ही जानते दोस्तों, जो कि 93.93 पॉइंट पे है। और भी ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट है दोस्तों, हम उन सैटेलाइट की जानकारी और टेक्नोलॉजी के बारे में वीडियो लाते रहेंगे दोस्तों। बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं दोस्तों इंडिया में चलते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे चैनल भी आते हैं उसमें। तो इसमें अब आज हम इस वीडियो में चैनल लिस्ट नहीं बता पाएंगे, आज सिर्फ डिश की इंस्टॉलेशन। अगले वीडियो में चैनल लिस्ट और कौन सा सैटेलाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी, TP सब कुछ दिया जाएगा दोस्तों, मतलब ताकि आपको आसानी हो जाए, कि डिश प्रॉब्लम ट्रैकिंग करने के लिए आसानी हो जाए। लगभग पूरी तैयार हो गई दोस्तों ये डिश, 6 फीट की डिश है ये। मतलब 4 फुट की भी मिलेगी दोस्तों, मतलब 6 फुट की लेंगे तो आप इसमें ज़्यादा से मतलब कुछ सैटेलाइट ऐसे हैं दोस्तों 4 फीट पे नहीं आते, मतलब इसमें काफ़ी सारे सैटेलाइट आ जाते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने अब इसमें ASR7 के जो हैं TV डाल चुका हूँ। ये मेरा सादा सेट टॉप बॉक्स है, इसमें कार्ड वगैरह कुछ नहीं है। तो चलिए हम इसको डिश को सेटिंग करते हैं। तो ये मेरे सामने वाली डिश देख रही है, मतलब ये अब ABS पर फिट है, ABS फिट है। अब हमारी ये 6 फिट की डिश है, अब हम इसको ASR7 पर फिटिंग करेंगे, ASR7 इस पर ट्रैक करेंगे। तो मैं थोड़ा डिश को हिलाता हूँ दोस्तों, थोड़ा हिलाता हूँ दोस्तों मैं डिश को, सिग्नल अभी भी नहीं आ रहा। तो देखिए दोस्तों, अब सिग्नल आ चुका है, लगभग 87 तक सिग्नल आ चुका है दोस्तों। थोड़ा मैं इसको फिट कर लेता हूँ। तो मैं एक बार आपको डिश की पोजीशन दिखा देता हूँ। कुछ इतना है डिश का पोजीशन, ये है, सामने से भी आपको एक बार बता देता हूँ मैं डिश।
तो देखिए दोस्तों, सामने का पोजीशन अभी था है, इतना होगा, मतलब अब काफ़ी अंधेरा है तो आपको शायद बराबर से नहीं दिखेगा। तो LNB का स्क्रू एंगल भी दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, इतना है देखो, इतना आपको रखना है, मतलब 40 के करीब रखना है। इसमें नंबर होता है LNB में, जो 40 के करीब रखना है। तो मेरी 6 फीट की डिश है।